गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। हमारा लक्षित उठ गया, रोमड़े सुबह पहले उठ गया। सुबह हो रही है अभी 4 बजे उठ के आज बहाना मार गया स्कूल, और ये इसने सुबह पहले ऐसा बहाना मारा आज तो इसको स्कूल जाना हो गया कैंसिल, और अब फिर बहाना ये अम्मा मेरी बीच में पहले बोलेगी, ये अम्मा बीच में बोलेगी और फिर अम्मा करती है सुनने का काम। ये बेटी जब देखो जब कोई बात बोलो बोले अम्मा आपने चढ़ा दिया इसको माथे। हाँ अम्मा अम्मा हो रही है शाम और मम्मी को पीनी थी कॉफी, तो तुम्हारा भाई अब बनाने वाला है कॉफी। सो आज एक बार फिर से आपका स्वागत है मिस्टर पारस शेफ के साथ उनकी रसोई के अंदर। तो सबसे पहले कॉफी बनाने के लिए हमको चाहिए ये काली काली कॉफी, इसको हम खोल लेंगे। अब बहुत ही ज्यादा दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि एक हाथ में है फोन और एक हाथ के अंदर है सामान। इसको खोलते हैं और कॉफी लेंगे हम पूरा पूरा एक चम्मच, क्योंकि मेरी माता जी को जो कॉफी पसंद है वो है हार्ड कॉफी। सो कॉफी को डालेंगे हम कप में और फिर तेल के अचार के डब्बे को करेंगे साइड, फिर खोलेंगे इस चीनी के डब्बे को। इसको अरे मित्रों कॉफी चाहिए हमारे को स्ट्रॉन्ग, जिसमें मीठा चाहिए कम, तो हम लेंगे केवल और केवल आधी चम्मच चीनी, क्योंकि अगर विदाउट शुगर कॉफ़ी बनाएंगे तो कॉफ़ी हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा हार्ड। अरे एक मिनट रुको यार, व्लॉग बनाऊँ इसको बंद करूँ क्या क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। कॉफ़ी के डब्बे को बंद करते नहीं तो ये सीरम पकड़ लेगा। और अब कॉफ़ी को करेंगे हम अच्छे से मिक्स, ताकि कॉफ़ी का जो फ्लेवर होता है ना कप में फेंटने से ज़्यादा अच्छा आता है। और दूध को करेंगे बॉइल इस पतीले में, तो पहले इसको गर्म कर लेते हैं। तो भाई ये देखो दूध में उबाली आ चुकी है और कॉफ़ी भी अच्छे से फेंट ली है मैंने यहाँ पे। अब एक मिनट, थोड़ी कॉफ़ी लग रही है ना चम्मच पे तो गरम गरम में डालेंगे तो कॉफ़ी हट गई। ये देखो अब इसको करेंगे सिम, इसको यहाँ पे लेंगे और इसको डालेंगे इसके अंदर टन। और ये हमारी कॉफ़ी बनके हो चुकी है तैयार। अब जाके मम्मी को पिला देते हैं ताकि अपने को घूमने का टाइम मिल जाए, क्योंकि ऐसे तो मम्मी घूमने जाने देती नहीं है। ये चापलूसी लगानी पड़ेगी गाइस। मेरे मित्रों क्या आप लोग भी इसी तरह घर में चापलूसी लगा के घर से बाहर निकलते हैं? अगर ये बात सच है तो कमेंट में यस लिख देना। सो गाइस अभी टाइम हो गया तुम्हारे भाई का गेड़ी बांधने का, क्योंकि शाम होते ही हम तो उड़ते परिंदे हैं घर से निकल जाते हैं बाहर। और हिमांशु तो गया हुआ है अभी गाँव, क्योंकि उसके घर में शादी है किसी की, तो वो फंक्शन अटेंड कर रहा है वहाँ पे। और तुम्हारा भाई रह गया अकेला, क्योंकि तुम्हें पता है बाकी तो सारे सांप हैं। कोई ना, फिर भी अब मैं अकेला घूम रहा हूँ। ये देखो आप हिमांशु, दिस सेट इज मिसिंग यू ब्रो, कमिंग सून बड़ी। फिर वापस दोनों भाई बैठेंगे और 30-30 ml के मज़े लेंगे। मजाक कर रहा हूँ, पीते नहीं है भाई हम, कहीं तुम गलत समझो, हमारे को दारू वा समझो। बट अभी मैंने बुलाया है किशन को, तो किशन आता ही होगा, उसकी इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ चौराहे पर खड़ा होके उसके घर के बाहर वाले पे। सो किशन आ जाए एक बार, फिर देखते हैं कहाँ भटके कहाँ पे ना भटके। सो गाइस किशन आ चुका है, किशन भाई आ गए। आज हिमांशु की कमी किशन ही पूरी करेगा। अब गलत मत समझना, बज्जे जी नहीं लेता भाई किसी की जो कमी पूरी करेगा। बस अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए, माहौल बनाने का इन द सेंस थोड़ी सी गेड़ी वेड़ी मारने के लिए। तो क्या घंटा, चलो भाई 700 रुपये का आज फिर कर्जा लिया है हमने एक बार, और कर्जे की जिंदगी में जीते हुए हम दो भाई। ये मेरा भाई, ये मेरा शेर भाई, ये शेर और मैं जीता। मैं तो शेर हूँ कर्जा लेने के मामले में, ये बब्बर शेर है। किसी को कर्जा लेना नहीं आता हो तो आप इसे संपर्क करें, इसके नंबर जो है मैं नीचे आपको डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नंबर शो जाएंगे। किसी को बर्बाद होना हो, किसी को अच्छी खासी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े एल लगाने हो, तो आप इस भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनका नाम है किशन पंडित, मथुरा वाले। तो बस इतना ही इनकी तारीफ में मैं कहना चाहूंगा आज के लिए। अभी तुम्हारा भाई आ चुका है घर पे, दिखा रहा तुम्हारा चूरमा रोटी और सब्जी, देसी घी का चूरमा खावे तेरा भाई सूरमा। और ये देखो ये है हमारे छोटे घर का सबसे छोटा बच्चा, ठीक है। और ये देखो
इसके हाथ में फोन दिख रहा है आपको, ये देखो आप किताब, ये फोन है इस शख्स का, ये हमारे घर के हैं अंकल जी, ये मेरा छोटा भाई है दिव्यांश, और ये छोटा कम है और ये मेरे से लगता है बड़ा है। इसकी इसकी कलम देखो आप एक बार, डैडी की कलम देखो आप, ये बन रहा है अपने आने में ऋतिक रोशन। अभी तो कोई समझाओ ये चिट्ठी रोबोट, ये अंकल जी 35 साल के, क्या बात कर रहा है तू, किससे बात कर रहा है? बड़े पापा मतलब मेरे पापा, ये है मेरे चाचा का लड़का लवी। हाँ क्या क्या बोले बड़े पापा हैं? लूड़े की लगा लेना, कहाँ पे? कूलो में। तो तू कूलो में लूड़े की लगा ले। अच्छा भागे बोलेंगे इसके, इसके तो बेटा इसके तो 1 किलो का डब्बा चाहिए, इसके कूले इतने बड़े। तेरे में तो फिर भी 1 चम्मच से कहा, इसके चूड़े लड़ रहे हैं इसके। गाइस आप एक बार ना कमेंट के अंदर ये लिख दो कि यार नमो अंकल, मजा आ जाएगा। आप 100 नंबर नमो अंकल लिख दो, 1 नंबर। इसका कवर देखो आप फोन का, कोई कह सकता है कि 40,000 का फोन चला रहा है? ये कवर देखो आप इसका, ये देखो ये सुअर है हमारे घर का। गाइस क्या हो रहा है? एक बात तो है यार लवी, यार तू ना गांडू है वो थोड़ा, जो बोलते है ना डांडू, वो खुद ही डांडू होते हैं। होता है क्या होता है? डांडू है, डांडू होता है या गांडू होता है? गै से गाय वाला होता है या डे से डमरू वाला होता है? हाँ डे, हाँ क्या होता है पहले बता। हैं जैसे जैसे स्टार्ट होता है तो गै कौन सा होता है? ये लो, ये है हमारे घर की भैंसिया। मिस भैंसिया। और मैं हूँ इस घर का भैंसा, और ये हमारे घर का सूड़ा, और ये बड़े अंकल, और ये है हमारे घर के अंकल, ये है दाढ़ी वाले अंकल श्री श्री 108। इसमें मम्मी क्या डाले हो आप दूध में हैं? इसमें रूह अफ़ज़ा डाले हो क्या? इसमें कलर तो आया नहीं रूह अफ़ज़ा वाला, वो क्या थोड़ा, हाँ बोल दो, बचा लिया आपने रूह अफ़ज़ा ना? अच्छा जम गया रूह अफ़ज़ा है। अरे वाह, आपको पता है मम्मी ये गांडू है, जो बोलते है ना, वो खुद ही होता है। क्या होता है? गांडू, गांडू, डांडू। क्या होता है? ये कैसे चालू होता है? गैस से, गाय से होता है, डे से डमरू से होता है, गैस से गाय से होता है, ढंग से बोल। गाढ़ा है दूध तो अच्छी बात है ना भाई, मैं आपको पता है यार मैं पैसे वाला आदमी हूँ। तो रोटी नहीं खावा पहला? हाँ ये लो, आ देखो गैस, तुसी ये मेरी मम्मी थी, पंजाबी शुरू होगी, ये पंजाब तो बिलोंग करती सी, ता करके इनू पंजाबी बोलने की आदत सी। ये देखो आप तुसी गांडू, ये सारा झूला झूल है, इनू कोई कम तो है नहीं झूला झूलन तो। इनू कह दो तुसी कि आले रोटी खा ले, मेरा छाल हो रहा है, मेरे को दवाई दिला दो। हाँ बता रहा छाला कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है, यहाँ ये क्या मिराज खाता है ना गाइस, तो इसके क्या छाला हो, और फिर इसको बोलता है कुरकुरे खा ले, मेरे छाला हो रहा है, पर मैं यहाँ से खा लूंगा, छाला तो यहाँ हो रहा है, ये तो ठीक है। ये इसकी ढोंगी हरकत है, क्या कहाँ पे? हाँ अब तो, अब तो तेरा छाला ठीक हो गया है ना, अब तो छाला ठीक हो गया तेरा। कहाँ से खाएगा? यहाँ से खाएगा, आगे से। अरे वाह साले सुअर, दिखाना गू खा लेना तू, मैं तो नहीं खाता, तू खाता है, तू खाता है। अरे चल साले, साले तू गू का खाता है। गाइस गाइस ये ना मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। एक दिन ना ये ना नाक में से गूगा निकाला और गूगा खा गया। तू एक बात बता, तूने गूंगा क्यों खाया? अपने पास रोटी नहीं थी? अपने घर में रोटी नहीं थी? हाँ नहीं थी, दूध तो नीचे। तू नहीं नहीं तू बता, तू पहले ये बता, इधर बैठ, इधर बैठ तू है ना, एक बात मैं ना पहले सच बताना, झूठ मत बोलना, तेरे को भगवान ही कसम है, पहले सच बताएगा ना, पहले बोला हाँ सच बोलूंगा, चाहे कोई भी खिलाया हो, पर तूने गूंगा खाया था ना? नहीं खा, भगवान का सामने तेरे को,
नहीं खाया, मैं थूक दिया था आपके। तो खाया तो खाना तूने, थूक दिया था तूने, थूक दिया था। सुन सुन हां इधर 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 दादी 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 सुन 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 दादा तो पहली बात है बता दूं, दादा मेरे को बोलता है हमारे नगर में जो बड़ा है उसको दादा बोलते हैं। तू ही बोलता सुन, तूने थूक दिया था है ना, पर मुंह में गया था जब भी तो थूका था ना तू, मुंह में नहीं गया ये थूक दिया। अरे चल चल चोर, अब तू झूठ बोल रहा है ना। अब सुन सब है ना, सब तेरी बुराई करेंगे अगर तू झूठ बोलेगा तो। तेरे को ना झूठ नहीं बोलना, अगर तू झूठ बोलेगा ना तू पढ़ाई में फेल हो जाएगा। इधर बैठ बैठ एक बार बैठ, तू ये बता मतलब मुंह में गया था जब तू थूका था ना तू है ना। गुगा गाता है तू गूंगा खाता है वो गिर गया। आज तो लवी प्रूव हो गया, हो गया तू खाता है क्या। सुन एक बात बता लवी, ओए टेस्ट कैसा आया, खट्टा खट्टा आया था। तो भाई अभी भी थे रूह अफ़ज़ा, ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा। अब सुन इधर आ, एक पहले सामने बैठ। आज है ना मैं कोई भी बाहर का व्लॉग इतना शूट नहीं करा, केवल मैं तेरी वीडियो बना रहा हूँ। है हाँ तो दोपहर में तेरे से तो स्टार्ट किया था मैं, तू को जब कोचिंग जा रहा था वहाँ पे ट्यूशन जा रहा था, जब तेरे से तो स्टार्ट किया था मैं व्लॉग बनाना, क्योंकि तेरे को पता है सुबह मैं सो रहा था, काम कर रहा था फिर मैं ऑफिस का। अच्छा हाँ तो अब तू ये बता, सच सच बताना, अब तेरी ये तो देख बात सच्चाई हो गई, तूने गुआ खाया नहीं खाया। हाँ नहीं खाया बेटा, अब तो वीडियो में, अब तो बेटा वीडियो में डल चुका कि तूने खाया। अब तू ये बता सुन, उसका टेस्ट कैसा था, तूने खाया है, तेरे को पता नमो, तेरे को पता है क्या बोल रहा था ये, ओए सुन रहा है क्या, पता क्या बोला, वाओ दादा आपने पहले क्यों नहीं बताया, वरना ना मैं ना डिनर में ब्रेकफास्ट में, एक मिनट रुक जा इसको इतना पसंद आया इसको गूंगा भाई, ये ना फैन हो गया इसे, बोल रहा है कि आप अगर मेरे को पहले बता देते ना, मैं ना मैं रोज गूंगा खाता। ओए अगर मेरा दूध डूल गया ना, इतना बुरा पीटूंगा ना तेरे को मैं, इतना बुरा पीटूंगा। इधर देख तू एक बात बता, अगर तेरे को पहले पता लग जाता तो रोज खाता ना तू। मतलब उस दिन तो अच्छा लगा, तू क्या बोला मेरे को, वाओ अरे भाई चाट गया। सुन पता है क्या बोला, सुन नमो क्या बोला, सुन क्या बोला, अगर दादा आप मेरे को पहले बता दिए होते कि ये इतना टेस्टी होता है तो मैं डेली खाता, मैं सुबह शाम मैं सबके गूंगे खा जाता। अरे यार लवी लवी यार लवी, तूने अपने घर का नाम खराब कर दिया यार लवी यार, मेरे को उम्मीद नहीं थी कभी कि तू इतना इतना गंदा आदमी निकलेगा, तू इतना लीचड़, तू इतना लीचड़ आदमी है, मैंने कभी नहीं सोचा था। ओहो गुंगड़ा राम, अब तो लवी तेरा नाम फेमस हो गया, बैठे बैठे मौज कर दी साले, गूंगे खाने साले, खाना ना खाए जरा गूंगे खावे। तूने वो रील देखी क्या, हेलो भैया, हेलो भैया दो प्लेट बर्गर कर दो और दो प्लेट चाउमीन, साले रोटी ना खाई जा रही बर्गर कर दो है, बताऊं अभी। ऐसे करता है ना वो, तूने रील देखी है क्या उसकी, अरे वो कह रहा पागल क्या नाम है उसका, भैया दो प्लेट बर्गर कर दो, वैसे ये भैया एक नाक में से गूंगे दे दो। साले चोर, साले भाई मजा आ गया आज, आज लवी की टांग खींचने में मजा आ गया, ये इतना नीच आदमी है ना हमारे घर का, ये मेरे सबसे छोटे चाचा का सबसे छोटा लड़का है,
और इसने हमारे परिवार की जो नाक डुबोई है भाई, क्या बताऊं। हट साले, हट साले सूड़े। सो गाइस आज का दिन निकल गया पूरा घर पे, क्योंकि बाहर जाने को घूमने को कुछ इतना था नहीं। मैं और किशन गए थे बाहर थोड़ी देर, घूम फिर आए घर पे। सो अभी आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि आ रही है बहुत तेज नींद, रात के बज चुके हैं 12। सो गुड नाइट आप सभी को, बाय बाय। और ब्लॉग्स को करते रहो सपोर्ट, इसी तरह से तुम्हारा भाई भी बहुत ही जल्द बहुत बड़ा यूट्यूबर बनने वाला है। फिर देखना आप लोग, ये जितने भी मेरे दोस्त सारे, ये सारे मेरे ब्लॉग में आने से पहले जो हरकतें करते हैं ना, मुंह छुपाते हैं, ये देखना आप, तुम्हारे भाई का ऑटोग्राफ मांगेंगे गाइस। सो बाय बाय, जय श्री राम।